नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल वर्ल्ड के ऐसे कौन से टॉप 3 टोकन्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि रियल वर्ल्ड एसेट्स जो है उसमें हमें अभी क्यों घुसना चाहिए। तो देखिए, ये हम सबको पता है कि एक नैरेटिव चलता है क्रिप्टो मार्केट में। कभी मीम कॉइन का नैरेटिव चलेगा, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन का, कभी गेम टोकन का। तो आजकल जो नैरेटिव धीरे धीरे आ रहा है वो है रियल वर्ल्ड एसेट्स का। अभी रियल वर्ल्ड एसेट्स की वैल्यू $8 बिलियन है, लेकिन अगर आप देखें तो मीम कॉइन की जो वैल्यू है वो लगभग $58 बिलियन पे पहुंच गई है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मिनिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है इसको बढ़ने का, तो अभी 7 गुना तो ये बढ़ ही सकता है। मतलब ये जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है, तो ये मैं पूरे रियल वर्ल्ड एसेट्स कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से टॉप 3 कॉइन्स है जो मतलब अच्छा पोटेंशियल दे सकते हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं हम क्लियर पूल पे। ठीक है, क्लियर पूल अभी $0.18 पे चल रहा है। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई लगभग $3.25 गया था। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये करता है, ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रेडिट मार्केट प्लेस है। ठीक है, तो ये स्टेकिंग करता है, क्रेडिट देता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अब बैक्ड बाई हैश की ग्रुप, सीनो ग्रुप, ठीक है, इन सब ग्रुप से ये बैक्ड है। ठीक है, मतलब इन्होंने इनमें इन्वेस्ट किया है, और फीचर्ड कहाँ कहाँ वो है वो भी देख लेते हैं। तो कॉइन डेस्क ने इसको अपने आप फीचर किया है, ब्लूमबर्ग, तो ये सब है। ठीक है, तो एक ये रियल वर्ल्ड एसेट का प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि हमें अच्छा रिटर्न दे पाए। तो पहले नंबर पे मैं मतलब ये बोलूंगा कि क्लियर पूल है। अब आते हैं दूसरे नंबर का प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है, वो है रिलायो। ठीक है, ये रियो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो रियो एक ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, जो जो मतलब एक और पोटेंशियली ग्रो कर सकता है अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स। तो अभी इसकी वैल्यू लगभग $1.8 है। हाँ ठीक है, और आज तक की सबसे हाई वैल्यू, अरे बाप रे इतना, मतलब ये कुछ तो डिफॉल्ट रहा होगा, मतलब ये क्या 17 मिलियन एक टोकन की वैल्यू। ठीक है, तो और इसकी सबसे कम वैल्यू इतनी थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब इसकी वेबसाइट भी देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली होता है। तो ये इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, डिजिटल, ये सब करते हैं भी, एलिमिनेट द बैरियर्स टू इन्वेस्ट इन ट्रेड एंड लेवरेज। ठीक है, तो ये मतलब इन्वेस्ट करने में ईज बना रहे हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स पे। ठीक है, तो अब देखो रियल वर्ल्ड एसेट्स की बूम आएगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और ये लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, ये उसको ईजी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये है। और इन्होंने फीचर भी कॉइन डेस्क, वही सेम ब्लूमबर्ग, इन सब पे फीचर्ड हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है रिलायो फंड्स का। ठीक है, तो ये रियो जो है ये अभी लगभग 2 साल पुराना है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अभी अभी आया है, स्पैम हो सकता है, 2 साल पुराना है, और इसकी टोटल मार्केट कैप 11 मिलियन है। 11 मिलियन को तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। ठीक है, मतलब बहुत छोटी मार्केट कैप हुई, तो इसको 22 मिलियन पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए ये 11 मिलियन से 22 मिलियन पहुंच गई, आपने $10 लगाया तो आपका $20 हो जाएगा। ठीक है, आपने $1,000 लगाया तो आपका $2,000 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ी है तो आपकी वैल्यू ऑफकोर्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं ये इस पे, अपने थर्ड टोकन पे। थर्ड टोकन है हमारा ओंडो। ठीक है, ओंडो भी 0.8 पे चल रहा है। ये लगभग 23 दिन पहले ऑल टाइम हाई मारा था। ठीक है, और 3 मंथ पहले $0.8 पे ये ऑल टाइम लो मारा था। ठीक है, अब ओंडो क्या करता है ये भी देख सकते हैं। तो ये भी एक मतलब मेरे टॉप 3 जो टोकन्स है, ठीक है, रियल वर्ल्ड के जो टॉप 3 टोकन्स है उसमें क्लियर पूल, रियो और ओंडो, ये 3 चीजें आ रही हैं। अब ओंडो पे देखते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी और ऑन चेन दे रहा है। ठीक है, और ये फीचर्ड कहाँ कहाँ हुआ है, कॉइन गोको, ब्लूमबर्ग, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, वॉल स्ट्रीट जर्नल, मतलब अच्छे अच्छे रेप्यूटेड प्लेसेस पे ये फीचर्ड हुआ है। ठीक है, बैक्ड बाई ऑनर सिस्टम प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड क्रिप्टो नेटिव। अच्छा, ये बैक्ड बाई भाई साहब, पापा, ब्लैक रॉक, ठीक है, ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, तो ये सब कॉइन बेस, ये सब इसको बैक्ड किए हैं। पॉलीगॉन लैब्स ने भी बैक किया है इसको। तो ब्लैक रॉक और मतलब इतने कॉइन बेस, ये मॉर्गन, ये सब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स है, ये अगर इसको बैक कर रहे हैं, मतलब इसको समझिए कि इसमें कितना मतलब पोटेंशियल होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही यू नो रिलायबल रियल वर्ल्ड एसेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
तो आई थिंक ये तीन मेरे टॉप थ्री टोकन्स रहेंगे और आप इसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।